हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंचायत विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के संगे। मऊगंज थाना के नरैनी गांव से पुलिस कार नंबर MP20CA 7744 में लोड 10 पेटी नशीली कप सिरप बरामद करी हमा। बताबा जाता है कि तस्कर गाड़ी का छोड़ के मौका से भाग गए हमा। वहाँ इन पुलिस कार वाला के नंबर प्लेट से तस्कर के पता लगावे मजूटी हबे। MP20CA 7744 रीमा मां मतदाता का लुभावे खातिर पार्टी आचार संहिता के उल्लंघन करत लागी। बताबा जात है कि वार्ड 15 के भाजपा प्रत्याशी सुशीला पटेल के पति रामराज पटेल अपने परिवार के संगे शराब बंटवावत रहे, जेकर सूचना पुलिस का दीन गए रही। सूचना दे पूर्व पार्षद वार्ड 15 के कांग्रेस प्रत्याशी के पति अशोक पटेल झब्बू गए रहे। बताबा जात है कि आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश अशोक पटेल का रोक लिहिन और मारपीट करिन हमा। कौन कौन था? रामराज ओकर भाई गणेश सुरेश ओकर भतीजे लड़का नितिन नितिन ओकर लड़का पथरामारी से कलम हम गए रहतारी ओकर भतीज गौरव पटेल जो पुलिस में है वह हमसे कहीं से गए मैहर नगर पालिका के चुनाव में वोट के जुगाड़ में लगी भाजपा के एक वार्ड नंबर 22 के पार्षद प्रत्याशी अनीता तिवारी मतदातन का साड़ी बांटत पकड़ी गई है। वहाँ इन ऊ कहिन के लोग दारू बांटत हम साड़ी बांटित लागन। साड़ी बांटत के वीडियो वायरल भा बजे के बाद पुलिस अभी तक कोनो कार्यवाही नहीं करी ना। आप यही चलेगा, हम लोग चले जाए, आप ले लो, आप जीत हमारे हिसाब से वोट हम लोग वाराणसी के लिए। बताइए आप जनता का पैसा ये आनेदान पैसा नहीं है। हम भी वोट देते हैं दिलेरी से, मोदी जी हम भी वोट देते हैं। ये व्यक्तिगत जनता का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, किसी का एक आदमी का लाभ ना ले। हमारा नहीं है ना, कौन खाता है? मोदी का पैसा है, लेकिन जनता मोदी वोट मांग रहा है। नंबर 22 नगरी निकाय के अंतिम चरण में 13 जुलाई का मतदान होय कहब है, जेमा कलेक्टर मनोज पुष्प और नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के भ्रमण कई के मतदान सामग्री के वितरण के काम के निरीक्षण करी हमा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सभी जगह सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम रीवा और इसके अलावा हमारी 9 नगर पंचायतों में आज सामग्री वितरण कम्प्लीट हो गया है और लोग अपने मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं। ये मतदान EVM से होना है। आपको पता है कि मतदाता पर्ची का वितरण भी सभी जगह किया जा चुका है। आज भी जहां पर मतदाता पर्ची वितरण की जानकारी आ रही है कि नहीं हुआ, वहां पर मतदाता पर्ची का वितरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्च इंजन ऐप का जो निर्माण किया गया है, उसके माध्यम से भी कोई भी मतदाता अपना नाम मतदान केंद्र वाइज ढूंढ सकते हैं और उसके हिसाब से जाके अपना मतदान कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल रीवा नगर निगम के सहित हमारी 9 अन्य नगर पालिकाओं में भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी और इसमें नगर निगम की पूरी टीम मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने में जुटी हुई है। मेरा शहर के और सारे 10 शहरों के सभी नागरिकों से और वोटरों से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जाके अपने मतदान का उपयोग करें और अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुने। रीवा जिले की 9 नगर पंचायतों नगर निगमों के नगरीय निकाय के निर्वाचन आयोजित होने हैं और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी हैं और मेरा हमारे रीवा जिले के सभी निवासियों से यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करके और अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि को चुने। रीमा भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत कहिन के सन 1998 से आज तक जनता इकठ्ठे पार्टी के महापौर चुना थी, विकास के बात हो थी, बड़े बड़े वादा करत हमा पे कौनो काम नहीं हुए। रीमा का महानगर बनबाबई की बात करत हमा पे यहाँ 104 गंदी बस्ती के विकास होत लागब है। रीवा में 104 गंदी बस्तियां हो गई। आप सोच सकते हैं, लगातार महापौर के चुनाव होते रहे, हमारे सांसद और विधायक बनते रहे। आप देख सकते हैं
हमारी ये गंदी बस्ती का नाम दे दिया गया, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं गंदगी कालम। जैसे ये नगर निगम में हो ही ना, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, क्या ये बस्ती नगर निगम में नहीं आती है? क्या यहाँ स्वच्छता अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय नगर निगम आयुक्त महोदय से और अपने रीवा के जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इन बस्तियों में घुमा दीजिए। ये बस्तियों के लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं? ये बस्तियों के लोग आखिर हम सब लोग के बीच के ही हैं। नई गढ़ी माँ निःशुल्क नेत्र परीक्षण सम्पन्न भा। 375 रोगीन का परीक्षण कीन भाजे माँ 55 जनन का मोतियाबिंद खातिर चिन्हित कीन गाव। बतावा जाता है कि सतगुरु सेवा ट्रस्ट नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड चित्रकूट नई गढ़ी के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तहसील इकाई नई गढ़ी माँ नेत्र परीक्षण शिविर लगावा गाव। मोतियाबिंद वाले रोगीन का इलाज खातिर एम्बुलेंस से चित्रकूट भेजा गाव। आप लोग काम कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति होगी और किस हिसाब से लोगों को लाभ ज़्यादा और बेहतर पहुँचाने के? देखिए, अभी हमारे चेयरमैन ने पूरा डिटेल आप सबको बता दिए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सतगुरु ट्रेवा सेवा ट्रस्ट के डॉक्टरों का, जो हम लोगों के मांग पर यहां आते हैं और जनता की सेवा करते हैं। अब हम लोगों का आँख के अलावा और भी सारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो हमारे सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, सबसे मिलकर SDM साहब हमारे अध्यक्ष हैं, यहाँ के 85 जी चेयरमैन है, सब कोई बैठ के हम लोग अन्य मरीजों के लिए भी इलाज के लिए प्रयास करेंगे कि कुछ और सुविधाएं हम जनता को दे सकें, यही हम लोगों का लक्ष्य रहेगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तहसील इकाई नई गढ़ी के संयोजन में और श्री सतगुरु सेवा ट्रस्ट जानकी कुंड नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के आयोजकत्व में हम लोग बीते 12 वर्ष से आँख यानी अंधत्व निवारण विषय पर काम कर रहे हैं। क्षेत्र के लगभग 8000 से ऊपर मरीजों के आज तक आँख बन चुके हैं। आज 12 तारीख को 375 मरीजों का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत 55 मोतियाबिंद जैसे मरीज के मरीज चिन्हित किए गए, जिन्हें चित्रकूट से आए नेत्र विशेषज्ञों की देखरेख में विशेष वाहन से चित्रकूट ले जाया जा रहा है। अगला कैंप भी इसी जैसे इस तरह 12 तारीख को आज लगा है, ऐसे ही कैंप हर 12 तारीख को लगाया जाएगा। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के संगे, नमस्कार।